नमस्कार, सहदेव राम SRG राजेश चंद्र व्यक्ति निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन। आज हम स्वच्छ भारत मिशन के ODF प्लस की ओर आपको ले जा रहे हैं। SBM फेज सेकंड में घर स्तर पर ग्रे वाटर का मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। घर स्तर पर आपके घर में जो बेकार पानी है, बेकार पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और ODF प्लस में क्या क्या चीजें दी गई है। ODF प्लस में घर स्तर पर किचन गार्डन, सोखता गड्ढा, मैजिक पिट बनाए जा सकते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से ग्रे वाटर का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो आज हम सोखता गड्ढे के बारे में विस्तार पूर्वक आपको अवगत करवाएंगे। उसमें सोखता गड्ढा में बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण और उसका पानी का जो प्रबंधन होता है, बेकार पानी का जो व्यवस्था है, उसमें अपन उस स्तर तक ले जा सकते हैं कि रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज और जो रिचार्ज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उस स्तर तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम हमारे इस गांव में आपके यहां पर जो व्यवस्था, नाली व्यवस्था है, उसे इतर हम यहीं पर जहां से घर से निकलने वाला पानी है वहीं का वहीं पानी का प्रबंधन करेंगे। तो हम आज आपको सोखते गड्ढे के बारे में प्रबंधन, जो ग्रे वाटर के प्रबंधन के बारे में आपको अवगत करवा रहे हैं। घर में गृहिणियों का जो कार्य है, घरेलू कार्य है, उसका घरेलू पानी का मैनेजमेंट किस प्रकार से हो उसके और क्या घरेलू पानी की हर घर में जो बेकार पानी है उसकी समस्या हर गांव में और उसका बेहतर उपचार किस प्रकार से हो उसके लिए क्या किया जाए और हर घर के सामने और हर गली के सामने हर समय घरेलू पानी जो घर में काम आने वाला, बर्तन धोने वाला और कपड़े धोने वाला और जो भी घर की साफ सफाई का पानी है वो हर समय एक समस्या के रूप में सामने आता है। उसका समस्या का समाधान किस प्रकार से हो उसके लिए क्या प्रयास किया जाए उसके बारे में हम आपको आज अवगत करवाएंगे। बेकार पानी की व्यवस्था बहुत ही उचित तरीके से करनी होगी, तभी इसका समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके लिए हम किचन गार्डन और सोखता गड्ढा बना सकते हैं। आज हम सोखते गड्ढे के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। ये जो सोखता गड्ढा है, सोखते गड्ढे में जो ईंट के दो टुकड़े हैं वो हम इसमें सोखते गड्ढे में डाल रहे हैं। ये पूरा फिलअप करना है 2 फीट तक। इसको जो ईंट के दो टुकड़े किए हैं वो पूरा पूरा इसमें भर देंगे अपन। Huh?
हमने अभी इसमें 4 फीट का गड्ढा, सोख का गड्ढा जो बनाया है, उसमें बड़े जो मिट्टी की ईंट के 2 टुकड़े डाले हैं, फिर बाद में रोड़े डाले हैं, इसके बाद में ये बजरी का जो बड़ा बड़ा जो कंकर होते हैं वो डाले हैं। जो छेद किया हुआ है वो मटका अपन इस गड्ढे में रखेंगे और चारों ओर इसके अब बजरी भरेंगे, चारों ओर बजरी भरेंगे। अब ये पूरा फिलअप कर देंगे, जहां मटके का ये जो साइज है यहां तक फिलअप करेंगे बजरी से। मटके के चारों ओर बजरी डाल दी है, अब इसके जो पानी का जो आउटलेट है, घर के पानी का जो आउटलेट है, उससे सीधा अपन पाइप ज्वाइंट करेंगे। ये जो पाइप है, इस पाइप को अपन इस प्रकार से रखेंगे कि ढलान बराबर तरीके से हो जाए और ये बैंड जो है इसमें एक बैंड भी डालना है, जिससे क्या है कि पानी सीधा मटके में ही जाए, इधर उधर फैले नहीं। ये बीच में रखना है पाइप 3 इंच का लगा सकते हैं, जिससे क्या है पानी की आवक बराबर रहे। ये टाइल पर अपने पाइप के लिए जो बैंड है उसके लिए अपने गोल आकार का एक छेद किया है, जिससे क्या है आसानी से जो पानी बैंड है वो आसानी से इस मटके में फिक्स हो जाए और इसके ऊपर दबाव बराबर, संतुलन बराबर रहेगा, बराबर तरीके से ये पाइप झुका हुआ रहेगा इसके ऊपर। ये जो सोखता गड्ढे के ऊपर आपने बालू मिट्टी भरने के बाद में ये जो टाइल्स है और पत्थर है, इससे अपन क्या करेंगे, इसको पक्का करेंगे, जिससे क्या है धसने की संभावना कम रहती है। सोखता गड्ढा एकदम पूरा सही तरीके से बन गया अब, और इसके ऊपर पत्थर 4-5 फीट के पत्थर भी डाल सकते हैं, जिससे क्या है बराबर लेवल में, और ये जमीन के बराबर लेवल में हो जाने के बाद में ये जमीन वापस काम में ली जा सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो जमीन धसने की संभावना नए के बराबर है बिल्कुल। ये एकदम अब सोखता गड्ढा बिल्कुल तैयार है, इसके ऊपर अपन और थोड़ा सा बजरी और सीमेंट का मसाला डाल के इसको बराबर सैंपल तरीके समतल कर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार गुर्जर, गांव गाजू। हमारे घर पे घरेलू पानी की समस्या थी, वो गंदगी हो रही थी, बर्तन वर्तन धोने वाले साफ सफाई का पानी का, इसका समाधान कराने के लिए हमने सोख का गड्ढा बनाया और आज वो एकदम बराबर है, फालतू का पानी वेस्ट नहीं हो रहा है और ना गंदगी हो रही है, एकदम क्लियर हो गया है।